चार पांच दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मेरा एक सबके सामने मैं स्टोरी एक बताना चाहता हूँ। 1973 में मैं मेरा प्री मेडिकल में बैचमेट भी था, बैचमेट भी है और रूममेट भी है। और प्री मेडिकल करने के बाद वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उनको चांस मिल गया है बीडीएस में। और वो व्यक्ति ब्रिटिश गयाना, जो कुछ दिन आप देखे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां भी गए थे, तो मैं बहुत कोशिश किया उनसे मिलने के लिए। तो मेरा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटना में मिला था। उसके बाद हम लोग एक दूसरे को कभी बात भी नहीं हो पाया। तो जब मैं इस बार 7-8 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, मेरा जो ऑफिसर है मैं उनको कहा उनके एम्बेसी से बात कीजिए, लेकिन वो आ जाता है उसमें नेट में तो उनका पूरा डिटेल्स आ जा रहा है, लेकिन उसका फोन नंबर जैसे मैसेज देते हैं तो कभी उसके साथ बात नहीं हो पा रहा है। अचानक आप देख लीजिए आफ्टर 51 ईयर्स मैसेज देने के बाद वो बोले कौन मानिक, क्योंकि मैं भी केजीएमसी में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। तो ये सोच रहा था कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कौन है मानिक। तो मुझे जब फोन लगाया वो कह रहे जे कुआरी हूं, तो मैंने बोला मानिक, तो जैसे मैंने बताया हम लोग प्री मेडिकल एक साथ किए थे, तुरंत आप सोचिए आफ्टर 51 ईयर्स के बाद उसे लंबा बात हुआ, बहुत सारे चीज वो बताया, तुमने ये कहा, मैं भी बताया उनको, तुम भी ये कहा, आप देखिए। और मुझे लगा इतना साल के बाद मुझे जो सुकून मिला है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, इतना अच्छा लगा। और वो कहा मैं बहुत, और उसका जो मैंने देखा काफी धनी आदमी है, काफी धनी आदमी है, क्योंकि उस वक्त वो हम लोगों को कहते थे जो ब्रिटिश गयाना का प्रेसिडेंट का वो भतीजा था। अब वो डॉलर से चलता था, हमारे यहां से पिताजी 200 रुपया बेचते थे, अब वो डॉलर से खेलता था। तो ये सब याद करते हुए वो कह रहे हैं कि आपका मोदी जी भी, वो एमपी भी बना था, बोला मैं छोड़ दिया अपना प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मैं उसको पूछा तुम इंडिया में आया हो क्या, नहीं, बोला मेरा दो बेटा यहां बॉम्बे से, वो भी यहां से डेंटल में पास करके गया है और बहुत बड़ा मैंने मिलियनर आप बोल सकते हो वहां पर वो अपना इंस्टीट्यूशन खोल रहा है। और परसों ये एक व्हाट्सएप में मेरा फोटो भेजा है 73 का, आप सोचिए। और उसमें मैंने साइन किया है और मैं देखा मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा था 73 में, अभी बहुत खराब हो गया। तो ये कहते हैं ये रिलेशन, अभी आप लोग जो आए हो मैं अभी सोच रहा हूं कब, वो पूछा था मुझे क्योंकि अभी इनके यहां अभी सवेरे है, तो इनका सवेरे मेरे लिए रात हो जाता है, तो फोन करना, तो पूछ रहा था कब आपसे हम बात कर सकते हैं। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो हम लोग कहते हैं जो ब्लड से रिलेशन बनता है ऐसा नहीं है, ये जो आप लोग आए हो यहां पर, ये जो कल्चरल फेस्टिवल, उसके बाद आपका ट्रेडिशन, आपका भाषा का जो एक्सचेंज, ये सब होगा, सब मिला जुला के आपका जो काम यहां पर आप कुछ क्या प्रोड्यूस करते हो आप यहां, तो ये सब का जानकारी जब मिलेगा और मेरा जैसा 51 ईयर्स के बाद अगर आप बात करोगे उस दोस्त को, जब बोलोगे त्रिपुरा में 2024 में तुम आए थे, तो कैसा फीलिंग्स रहेगा आप सोच लो तुम। ये अभी मुझे ये फीलिंग्स आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो विदेश का आदमी है लेकिन इसका नाम, ये ओरिजिनली इंडियन है, क्लाइव रमेश जगन, रमेश है इंडियन नेम, जगन उसका सन नेम। तो ये रिलेशन इससे बनता है जिसके कारण ये फेस्टिवल आज मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिए राष्ट्र पहले है, देश को निर्माण करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हर जगह विदेश में भी जाते हैं, वो कहते हैं हमारे यहां सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारा युवा, 60 से 65% युवा भारत में है। तो ये यूथ को लेके वो जैसा प्राउड फील करते हैं, हम भी त्रिपुरा में ये प्राउड फील करते हैं कि हमारा यूथ यहां पर सबसे बड़ा हम लोगों के लिए एसेट है। और मैं समझता हूं जो यहां नशा मुक्ति से शुरू करके प्लास्टिक मुक्त से शुरू करके एनवायरमेंट को ठीक रखने के लिए जिस तरह आप लोगों को काम करना चाहिए, इस विषय में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। मुझे अभी भी याद है हमारा डॉक्टर महेंद्र
महेश शर्मा जी हमारे यहाँ आए थे और ये नोएडा का है, एक्चुअली एमपी है, हमारे यहाँ कुछ काम के लिए बहुत दिन यहाँ थे। वो जब ही आते हैं यहाँ पर त्रिपुरा में आके कहते हैं, आप लोग भाई साहब हम शाम से कम 10 साल जिंदा ज्यादा बचोगे आप लोग, क्योंकि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। तो उस हिसाब से वो आते हैं तो कहते हैं इतना अच्छा ऑक्सीजन और इतना पोल्यूशन लेस त्रिपुरा, वो हमेशा कहते हैं खास अगर हम त्रिपुरा में रह सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये ब्यूटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं अगर देश तब तक डेवलप नहीं होगा जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं करेंगे। इसलिए आप देखिए हमारा माननीय मंत्री बहादुर ने बोलने का कोशिश किया है, त्रिपुरा में हम लोग सोच भी नहीं सकते यहां से कभी ट्रेन यहां पर आएगा। एक ही नेशनल हाईवे था यहां पर, एक NH-01, अब यहां पर 6 नेशनल हाईवे हो गया और भी 4 इन प्रिंसिपल ऑलरेडी सैंक्शन भी हो गया, इन प्रिंसिपल वो भी होने जा रहा है। ये आज भी मेरे एक ऑफिसर आए थे, वो कोयलाशहर गया है और हमारे मंत्री बहादुर तो वहां का रहने वाले, मैंने 2 घंटा में आप वहां से कोयलाशहर ऊनाकोटी से आप यहां पहुंच सकते हो। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया, यहां से कितना ट्रेन अभी जा रहा है। पहले हम लोग बाहर जाते थे पढ़ने लिखने के लिए बाहर, तो कलकत्ता जाना पड़ता था, वहां जाके फिर हावड़ा या सियालदह वहां जाके ट्रेन में चढ़ना पड़ता है, टिकट लेना भी पाना भी बहुत मुश्किल था। अब सब जानते हैं, अभी तो इस तरह डिजिटल और ये सब कंप्यूटर था ही नहीं हुआ, तो ये याद करते हैं वो ये देश का विकास जिस तरह, और आप भी युवा विकास केंद्र है, आपको भी विकास चाहिए तो सही मायने में अच्छा नाम है जो 2047 में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी जो टारगेट रखे हैं, देश को आगे बढ़ाना है, विकास चाहिए, तो आप लोग भी इस विकास यात्रा में मेरे ख्याल से आप लोग खूब खूब काम कीजिए। और ये बहुत जरूरी है, इस तरह कल्चरल एक्सचेंज होगा, उसके बाद लैंग्वेज का एक्सचेंज होगा, आपका जो आपका काम जो यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है, इससे भी पहचान हो जाएगा किस राज्य में कौन सा चीज अभी ये लोग बनाते हैं, उससे भी आपको टीचिंग मिल सकता है। ऊपर से आप देखिए कि यहाँ त्रिपुरा में हम लोग के यहाँ इतना अच्छा अभी माहौल है, जे त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर अभी पूरा 28 राज्य में हम लोग नीचे से 3rd पोजीशन में, इसलिए बाहर से भी मानो बहुत लोग इन्वेस्टर्स यहाँ आना चाहते हैं। और इसीलिए आप लोगों को भी यहाँ पर जो फेस्टिवल या जो भी यहाँ पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं वह शांति से आप लोग कर रहे हो, और हमारा सरकार बहुत ही मतलब जीरो टॉलरेंस है। प्रॉब्लम तो हो ही सकता है किसी भी जगह, कोई भी समस्या होगा तभी तो पुलिस है, थाना है, पुलिस स्टेशन है, तो हम लोग तुरंत उसमें हम लोग एड्रेस करते हैं और उसका समाधान का कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं हम लोग ये जो 7 दिन ये हेरिटेज फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारा युवा का जो आत्मविश्वास और अपना जो बुद्धि ये लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोग देखते हैं मन की बात में हमेशा बोलते रहते हैं, युवा से वो एडवाइस लेते हैं और बात भी करते हैं, और इनसे इतना इनोवेटिव आइडिया रहते हैं, स्टार्टअप इंडिया के ही, स्टैंडअप इंडिया के ही, आजकल युवा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनको अवेयरनेस भी आप लोगों को करना चाहिए। तो मैं समझता हूं ये बजाज फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इस तरह उन्होंने आगे बढ़ाया और हमारे यहाँ इतना बड़ा जो फ्लड सिचुएशन हुआ था उसमें भी ये युवा केंद्रों के सामने रख के जिस तरह उन्होंने अपना हेल्प किया है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। 2022 में भी यहां पर कम से कम 475 यूथ यहां पर आया था और 2023 में भी करीब करीब 400 के ऊपर यहां पर आया था, इस बार भी मेरे ख्याल से इससे कम नहीं होना चाहिए। चाहते हैं जो शांति बहाल रहे पूरा देश में।